गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. वेलकम टू MLP यूट्यूब क्लासेस. टुडे वी डिस्कस अवर चैप्टर नंबर 37, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर्स. गिवन ब्लो आर द पिक्चर्स ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स. इन दिस चैप्टर वी हैव सम पिक्चर्स ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट्स एंड प्राइम मिनिस्टर. आइडेंटिफाई देम एंड राइट देयर नेम्स. आपको आइडेंटिफाई करने हैं, उनके नेम राइट करने हैं उनकी पिक्चर्स के ब्लो, उनकी पिक्चर्स के नीचे. वी हैव हेल्प बॉक्स. टेक हेल्प फ्रॉम दिस हेल्प बॉक्स. लेट स्टार्ट. सी फर्स्ट पिक्चर. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. डॉक्टर RAJEND RA राजेंद्र PRASAD प्रसाद. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. सी सेकेंड पिक्चर. पंडित जवाहरलाल नेहरू. पंडित JAWAHAR जवाहर LAL लाल NEHRU नेहरू. पंडित जवाहरलाल नेहरू. सी थर्ड पिक्चर. डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन. डॉक्टर SARVAPALLI सर्वपल्ली RADHA राधा KRISHNAN कृष्णन. डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन. फोर्थ इज श्रीमती इंदिरा गांधी. श्रीमती INDIRA इंदिरा GANDHI गांधी. श्रीमती इंदिरा गांधी. नेक्स्ट इज फिफ्थ नंबर पे जो पिक्चर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. डॉक्टर APJ ABDUL अब्दुल KALAM कलाम. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. सिक्स्थ जो पिक्चर है हमारे चैप्टर में वो है डॉक्टर जाकिर हुसैन. डॉक्टर ZAKIR जाकिर HUSSAIN हुसैन. डॉक्टर जाकिर हुसैन. सेवन्थ इज अटल बिहारी वाजपेयी. श्री SHRI श्री ATAL अटल BIHARI बिहारी BAJPAYEE वाजपेयी. श्री अटल बिहारी वाजपेयी. एट्थ इज श्रीमती प्रतिभा पाटिल. श्रीमती PARTIBHA प्रतिभा PATIL पाटिल. श्रीमती प्रतिभा पाटिल. नेक्स्ट इज डॉक्टर मनमोहन सिंह. डॉक्टर MANMOHAN मनमोहन SINGH सिंह. डॉक्टर मनमोहन सिंह. लेट्स रिवाइज अगेन. फर्स्ट पिक्चर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. सेकंड इज पंडित जवाहरलाल नेहरू. थर्ड इज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन. फोर्थ इज श्रीमती इंदिरा गांधी. नेक्स्ट इज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. सिक्स नंबर पे जो पिक्चर है डॉक्टर जाकिर हुसैन. सेवन्थ पिक्चर श्री अटल बिहारी वाजपेयी. एट्थ इज श्रीमती प्रतिभा पाटिल. नाइन्थ इज डॉक्टर मनमोहन सिंह. आई होप यू अंडरस्टैंड अवर दिस टॉपिक प्रेजिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. टेक पिक्चर्स फ्रॉम यूट्यूब और गूगल. पेस्ट देम इन योर फेयर नोटबुक एंड राइट देयर रिलेटेड नेम्स. ऑल्सो फिल इट इन योर बुक इन नीट एंड क्लीन राइटिंग. थैंक यू. Good morning to all of you. Let me start our maths online classes for class 3. My dear students, in previous class our exercise 10.2 is complete. Today we will start our exercise 10.3. Question number 1, subtract the following student. Question number 1 ke is path mein hame subtract karna hai. So let's start part B. 6 kg 200 5 gram minus 2 kg 500 8 gram. Now we subtract 5 mein se 8 minus nahi ho sakta. Carry lenge. 0 ke paas carry nahi hai. 2 se lenge 1. Now students, yahan pe 10 ho jayega. 1 carry 5 ko dega. Kya bachega? 9. Yahan 5 15, 15 में से 8 को माइनस किया 7, 9 में से 0 को माइनस किया 9, 1 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, कैरी लेंगे 5, 11, 11 में से 5 को माइनस किया 6, 5 में से 2 को माइनस किया 3. सो स्टूडेंट 6 किलोग्राम 205 ग्राम माइनस 2 किलोग्राम 508 ग्राम इज इक्वल टू 3 किलोग्राम 697 ग्राम. आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी पार्ट सेम इसी तरह सॉल्व होंगे. नाउ वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर सेकंड. अरेंज द फॉलोइंग इन कॉलम्स एंड सब्ट्रैक्ट. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसे. इसमें डिफरेंस ये है कि इनको पहले कॉलम्स में अरेंज करना है, उसके बाद इनको सब्ट्रैक्ट करना है. सो लेट्स स्टार्ट. पार्ट ए. 2 किलोग्राम 556 ग्राम फ्रॉम 5 किलोग्राम. मीन्स 2 किलोग्राम 556 को 5 किलोग्राम में से सब्ट्रैक्ट करना है. नाउ 5 किलोग्राम को ऊपर लिखेंगे स्टूडेंट्स. मीन्स पीछे वाले नंबर को ऊपर लिखेंगे. यहाँ ग्राम्स गिवन नहीं तो ग्राम 00 राइट करेंगे और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 किलोग्राम 556 ग्राम को. नाउ स्टूडेंट्स 0 में से 6 माइनस नहीं होगा, कैरी लेंगे 5,
फोर, यहाँ टेन स्टूडेंट्स वन कैरी जीरो को देगा, क्या लेफ्ट रहेगा नाइन, यहाँ अगेन टेन वन कैरी जीरो को देगा, क्या लेफ्ट रहेगा नाइन, नौ स्टूडेंट्स यहाँ टेन, टेन में से सिक्स को माइनस किया फोर, नाइन में से फाइव को माइनस किया फोर, अगेन नाइन में से फाइव को माइनस किया फोर, फोर में से टू को माइनस किया टू, सो स्टूडेंट्स फाइव किलोग्राम माइनस टू किलोग्राम 556 इज इक्वल टू टू किलोग्राम 444 ग्राम. वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट सी. फोर किलोग्राम 859 ग्राम को सब्ट्रैक्ट करना है स्टूडेंट्स सिक्स किलोग्राम थ्री ग्राम में से. नाउ कॉलम्स में अरेंज करेंगे सिक्स किलोग्राम थ्री ग्राम्स माइनस फोर किलोग्राम 859 ग्राम. स्टूडेंट्स यहाँ डिजिट नहीं थी तो इसलिए हमने जीरो जीरो राइट किया. नाउ माइनस थ्री में से नाइन माइनस नहीं होगा, कैरी लेंगे, जीरो के पास कैरी नहीं है, सिक्स से लेंगे फाइव, यहाँ टेन स्टूडेंट्स वन कैरी उधर देगा क्या बचेगा नाइन, यहाँ अगेन टेन वन कैरी थ्री को देगा क्या बचेगा नाइन, यहाँ थर्टीन, थर्टीन में से नाइन को माइनस किया फोर, नाइन में से फाइव को माइनस किया फोर, नाइन में से एट को माइनस किया वन, फाइव में से फोर को माइनस किया वन. सो स्टूडेंट आवर आंसर इज वन किलोग्राम 144 ग्राम. आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड. नाउ वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टूडेंट थर्ड टू सिक्स क्वेश्चन रिलेटेड टू वर्क प्रॉब्लम, सो यू लिसन केयरफुली. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड. ए शॉपकीपर हैज़ 8 किलोग्राम 500 ग्राम ऑफ बिस्किट इन हिज शॉप. यदि स्टूडेंट्स एक शॉपकीपर के पास उसकी शॉप में 8 किलोग्राम 500 ग्राम बिस्किट्स है. इफ़ ए कस्टमर बाइज 4 किलोग्राम 950 ग्राम फ्रॉम हिम. यदि स्टूडेंट एक कस्टमर 4 किलोग्राम 950 ग्राम बिस्किट्स खरीद लेता है, जो बिस्किट्स रिमेन विद द शॉपकीपर. स्टूडेंट्स हमें फाइंड करना है अब शॉपकीपर के पास कितने बिस्किट्स रिमेन रह जाते हैं, मीन्स लेफ्ट रह जाते हैं. लेफ्ट पूछा है तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, माइनस. नाउ स्टेटमेंट इज शॉपकीपर हैज़ बिस्किट्स. शॉपकीपर के पास बिस्किट्स थे 8 किलोग्राम 500 ग्राम. नाउ ही सोल्ड, वो कस्टमर्स को कितने बेच देता है 4 किलोग्राम 950 ग्राम. नाउ बिस्किट इज लेफ्ट, कितने बिस्किट्स लेफ्ट रहते हैं. लेफ्ट पूछा है तो माइनस करेंगे, जीरो में से जीरो को माइनस किया जीरो. नाउ स्टूडेंट जीरो में से फाइव माइनस नहीं होगा, कैरी लेंगे फोर, टेन, टेन में से फाइव को माइनस किया फाइव, फोर में से नाइन माइनस नहीं होगा, अगेन कैरी लेंगे सेवन, फोर्टीन, फोर्टीन में से नाइन को माइनस किया फाइव, सेवन में से फोर को माइनस किया थ्री. सो स्टूडेंट बिस्किट्स वेट रिमेन विद शॉपकीपर 3 किलोग्राम 550 ग्राम. शॉपकीपर के पास स्टूडेंट्स कितने वेट में बिस्किट्स रिमेन रह जाते हैं 3 किलोग्राम 550 ग्राम. आई थिंक यू अंडरस्टैंड. नाउ वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर फोर. ए लेडी हुज वेट 84 किलोग्राम 336 ग्राम जॉइंट ए वेट लॉस क्लिनिक. स्टूडेंट एक लेडी जिसका वेट 68 किलोग्राम 336 ग्राम है, वो वेट लॉस क्लिनिक ज्वाइन करती है. एज ए रिजल्ट सी लॉस्ट 8 किलोग्राम 678 ग्राम. उसका रिजल्ट ये रहता है स्टूडेंट्स, उसका 8 किलोग्राम 678 ग्राम वेट कम हो जाता है. हाउ मच डज सी वेट नाउ. स्टूडेंट्स हमें फाइंड करना है अब उसका वेट क्या है. नाउ स्टेटमेंट इज वेट ऑफ लेडी. लेडी का वेट था 84 किलोग्राम 336 ग्राम. सी लॉस्ट वेट, उसने कितना वेट कम कर दिया था 8 किलोग्राम 678 ग्राम. नाउ सी वेट नाउ, अब उसका वेट कितना है. माइनस करेंगे स्टूडेंट्स, मीन्स हमें लेफ्ट फाइंड करना है. सिक्स में से एट माइनस नहीं होगा, कैरी लेंगे टू, सिक्सटीन, सिक्सटीन में से एट को माइनस किया एट, टू में से अगेन सेवन माइनस नहीं होगा, कैरी लेंगे टू, ट्वेल्व, ट्वेल्व में से सेवन को माइनस किया फाइव, टू में से अगेन सिक्स माइनस नहीं होगा, कैरी लेंगे थ्री, ट्वेल्व, ट्वेल्व में से सिक्स को माइनस किया सिक्स, थ्री में से अगेन एट माइनस नहीं होगा, कैरी लेंगे सेवन, थर्टीन, थर्टीन में से एट को माइनस किया फाइव, स्टूडेंट सेवन, यहाँ कोई डिजिट नहीं है तो जीरो राइट करेंगे. सेवन में से जीरो को माइनस करेंगे सेवन. स्टूडेंट अब उसका वेट क्या है, 75 किलोग्राम 658 ग्राम. नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव. रामूज बैग विद बुक्स वेट 5 किलोग्राम 100 ग्राम. स्टूडेंट रामू के बैग और उसकी बुक्स का वेट, मीन्स दोनों का वेट है 5 किलोग्राम 100 ग्राम. इफ हिज बैग अलोन वेट्स इज 890 ग्राम. यदि स्टूडेंट्स उसके बैग का अकेले का वेट है 890 ग्राम. वट इज़ द वेट ऑफ हिज बुक्स. तो स्टूडेंट्स हमें उसकी बुक्स का वेट फाइंड करना है, मीन्स हमें दोनों का वेट गिवन है और बैग का अलग से वेट गिवन है, तो बुक्स का वेट क्या होगा, दोनों के वेट में से बैग के वेट को माइनस कर देंगे. स्टेटमेंट इज बैग विथ बुक्स वेट, मीन्स बैग और बुक दोनों का वेट है 5 किलोग्राम 100 ग्राम. नाउ बैग वेट, बैग का वेट है 890 ग्राम. नाउ बुक्स वेट, बुक का वेट क्या होगा, स्टूडेंट दोनों के वेट में से बैग के वेट को माइनस कर देंगे. नाउ माइनस, जीरो में से जीरो को माइनस किया जीरो, जीरो में से नाइन माइनस नहीं होगा, कैरी लेंगे जीरो, टेन, टेन में से नाइन को माइनस किया वन, जीरो में से एट माइनस नहीं होगा, अगेन कैरी लेंगे फोर, टेन, टेन में से एट को माइनस किया टू, फोर में से जीरो को माइनस किया फोर. सो स्टूडेंट बुक्स का वेट क्या है, 4 किलोग्राम 210 ग्राम.
नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स, फॉर ए डिनर पार्टी 15 किलोग्राम 485 ग्राम ऑफ व्हीट एंड 8 किलोग्राम 955 ग्राम ऑफ शुगर वर परचेज। स्टूडेंट्स, एक डिनर पार्टी के लिए 15 किलोग्राम 485 ग्राम व्हीट परचेज किए गए हैं और 8 किलोग्राम 955 ग्राम शुगर परचेज किए हैं। नाउ फाइंड द डिफरेंस इन वेट्स ऑफ द गुड्स परचेज। हमें फाइंड करना है ये दोनों गुड्स परचेज किए गए इनके वेट्स में कितना डिफरेंस। नाउ स्टेटमेंट इज, स्टूडेंट्स व्हीट का वेट ज़्यादा है, उसमें से शुगर के वेट को माइनस कर देंगे, डिफरेंस फाइंड आउट हो जाएगा। नाउ वेट ऑफ व्हीट, व्हीट का वेट है 15 किलोग्राम 485 ग्राम, वेट ऑफ शुगर 8 किलोग्राम 955 ग्राम। नाउ डिफरेंस माइनस करेंगे, 5 में से 5 को माइनस किया 0, 8 में से 5 को माइनस किया 3, 4 में से 9 माइनस नहीं होगा, कैरी लेंगे 4, 14, 14 में से 9 को माइनस किया 5, 4 में से अगेन 8 माइनस नहीं होगा, कैरी लेंगे 0, 1, 14, 14 में से 8 को माइनस किया 6, नाउ 0। सो फ्रेंड्स, डिफरेंस इन वेट्स ऑफ गुड्स 6 किलोग्राम 530 ग्राम। टू गुड्स जो उसने परचेज किए थे उनके वेट के बीच में डिफरेंस है 6 किलोग्राम 530 ग्राम का। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड, सो यू डू कंप्लीट योर एक्सरसाइज 10.3। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका, MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों, कक्षा तीसरी में हम करेंगे आज पाठ 13, सोने का सिक्का। तो पहले हम पढ़ेंगे शिक्षण संकेत। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि सब्र का फल हमेशा मीठा एवं आनंद पहुंचाने वाला होता है। एक बार एक शहर में अकाल पड़ने के कारण उस शहर के एक अमीर नेकदिल व्यापारी ने लोगों की मदद करने के लिए रोटियां बांटने की घोषणा की। रोटी पाने की होड़ में सभी बच्चे धक्का मुक्की कर रहे थे, जबकि एक छोटी लड़की सब्र के साथ अपने बारी की प्रतीक्षा कर रही थी। तो चलिए अब पाठ को हम पढ़ते हैं। एक बार एक शहर में अकाल पड़ गया। अकाल क्या होता है? सूखा पड़ना, यानी कि अनाज की कमी आ जाना, भोजन न मिल पाना, उसे कहते हैं अकाल। लोगों के भूखे मरने की नौबत आ गई। तब शहर के एक धनी नेकदिल व्यापारी ने लोगों की मदद करने की ठानी। उसने घोषणा की कि वह कल शहर के बच्चों को अपने घर के प्रांगण यानी आंगन में रोटियां बांटेगा। घोषणा के बाद अगले दिन उसके घर के आगे बच्चों की भीड़ लग गई। बच्चे एक दूसरे को धक्का मारते, गिरते पड़ते, रोटियों की टोकरी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। रोटियां छोटी बड़ी थीं और हर बच्चा बड़ी रोटी ले जाने के लालच में धक्का मुक्की कर रहा था। इस धक्का मुक्की से दूर एक छोटी लड़की चुपचाप कोने में खड़ी थी। जब सभी बच्चों को रोटियां मिल गई तो वह अंत में आगे बढ़ी। तब तक टोकरी में एक छोटी सी रोटी ही बची थी। बच्ची ने प्रसन्न होकर उस रोटी को लिया और घर लौट गई। अगले दिन फिर रोटियां बंटने लगी। आज भी पिछले दिन की तरह धक्का मुक्की चल रही थी। आज भी वह लड़की एक कोने में खड़ी रही। उसे अंत में सबसे छोटी रोटी मिली। लड़की उस रोटी को लेकर घर आ गई। घर आकर उसने रोटी तोड़ी तो उसमें से एक सोने का सिक्का निकला। क्या निकला रोटी में? सोने का सिक्का। लड़की की माँ ने उसे यह सिक्का सेठ को लौटाने के लिए कहा। क्या कहा लड़की की माँ ने? सिक्का सेठ को लौटाने को। लड़की जब सोने का सिक्का लौटाने पहुंची तो सेठ बोला, बेटी मैंने जानबूझकर सबसे छोटी रोटी में यह सिक्का डाल दिया था। कौन सी रोटी में डाला था सेठ ने सोने का सिक्का? सबसे छोटी रोटी में। मैं सबसे ज़्यादा सब्र करने वाले बच्चे को पुरस्कृत करना चाहता था। पुरस्कृत यानी इनाम देना। इसलिए इस सिक्के को तुम अपने पास ही रखो। सेठ की बात सुनकर लड़की बोली, सेठ जी मेरे सब्र का पुरस्कार यही था कि मुझे दूसरों की तरह धक्के नहीं खाने पड़े। मेरे लिए यही पुरस्कार बहुत है। सिक्का लेकर मैं लोभी हो सकती हूँ और छोटी रोटी लेने के लिए
मैं भी धक्का मुक्की करने पर आ सकती हूँ, इसलिए यह सिक्का आप ही रखें। लड़की की बातों से सेठ इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसको अपनी धर्मपुत्री बना लिया। तो देखा बच्चों, इस तरह सब्र करने से उस लड़की को सेठ ने इनाम दिया और उसे अपनी धर्मपुत्री बनाया। इसी तरह सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। तो ये पाठ हमने पढ़ा, आपकी समझ में आ गया होगा। अभी करेंगे हम इसके शब्दार्थ। मदद, सहायता, प्रांगण, आंगन, ठानी, निश्चय किया, घोषणा, जोर से बोलकर बताना, धक्का मुक्की, भीड़ के कारण आसपास के लोगों को धकेलना, अकाल, अनाज की कमी के कारण भोजन नहीं मिलना, प्रसन्न, खुश, लोभी, लालची, सब्र, संतोष, पुरस्कार, इनाम, पुरस्कृत, इनाम दिया, नेक दिल, अच्छी नीयत वाला। तो बच्चों, इस पाठ को आपके अपनी पुस्तक से फिर से अच्छे से ध्यान से पढ़ना है और ये शब्दार्थ अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और याद करने हैं। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आवर यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस। सब्जेक्ट इज इंग्लिश ग्रामर फॉर क्लास थर्ड। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर 15 द एडवर्ब। टुडे आई विल स्टार्ट चैप्टर 16। चैप्टर नेम इज द प्रीपोजिशन। THE PREPOSITION, the preposition. Some words show a relation between other words. Some words, कुछ शब्द show, दिखाते हैं a relation, एक संबंध between other words, दूसरे शब्दों के बीच में। कुछ शब्द एक संबंध दिखाते हैं दूसरे शब्दों के बीच में, यानी जोड़ने का काम करते हैं, उनको हम कहते हैं the preposition. To understand it, look at the pictures and read the sentences carefully. बेटा, ये पिक्चर दी हुई है, इनको आपको समझना है और रीड द सेंटेंसेस केयरफुली और इनको सेंटेंस बनाना है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है, स्टूडेंट्स लुक एट द ब्लैक बोर्ड। स्टूडेंट्स लुक, विद्यार्थी देखो एट द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर। तो एट हमारा क्या कर रहा है, रिलेशन, स्टूडेंट्स और ब्लैक बोर्ड के बीच में रिलेशन पुट कर रहा है। तो एट का हमारा क्या है, प्रीपोजिशन। सेकंड है, द स्टूडेंट्स आर इन देयर क्लास। स्टूडेंट्स और क्लास के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है इन, आई एन इन, ये हमारा क्या है, प्रीपोजिशन। थर्ड है, द चाइल्ड फेल इन टू द पिट। चाइल्ड और पिट के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है इन टू, आई एन टी ओ, इन टू। तो इन टू हमारा क्या है, प्रीपोजिशन। फोर्थ है, ए ग्लास इज ऑन द टेबल। ग्लास और टेबल के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है ऑन, ये दोनों शब्दों को जोड़ रहा है ऑन, ऑन हमारे क्या है, प्रीपोजिशन। फिफ्थ है, ए डॉग इज नियर द बॉय। नियर क्या है, प्रीपोजिशन। सिक्स्थ है, ए रैट इज अंडर द टेबल। अंडर क्या है हमारा, प्रीपोजिशन। सेवन्थ है, शालू इज गोइंग विद हर ग्रांड मदर। शालू और ग्रांड मदर दोनों के बीच में रिलेशन बन रहा है विद, डब्ल्यू आई टी एच, विद। एट्थ है, दी मंकीज जंप डैश दी फ्रॉम दी ब्रांच। दी मंकीज जंप फ्रॉम दी ब्रांच, मंकी और ब्रांच का रिलेशन है फ्रॉम, रिलेशन बना रहा है फ्रॉम, तो फ्रॉम हमारी क्या है, प्रीपोजिशन। नाइन्थ है, दी स्टूडेंट्स आर गोइंग टू दी स्कूल। टू हमारी क्या है, प्रीपोजिशन। टेंथ है, दी फार्मर्स ऑफ दिस विलेज आर हार्ड वर्कर्स। ऑफ हमारी क्या है, प्रीपोजिशन। इन दी अबव सेंटेंसेस, स्टूडेंट्स और ब्लैक बोर्ड के बीच में शो कर रहा है वो हमारी प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट सेंटेंस में स्टूडेंट्स और क्लास के बीच में शो कर रही प्रीपोजिशन। ऐसे ही बेटा, ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं जो दोनों के बीच में रिलेशन बना रही है, उनको हम प्रीपोजिशन कह रहे हैं। नाउ इट इज़ क्लियर दैट द कलर्ड वर्ड्स शो द रिलेशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन विद अनदर नाउन और प्रोनाउन। हेयर दैट वर्ड्स आर प्रीपोजिशन। बेटा, जो रेड कलर में है ये पीछे दी हुई है हमारी सारी क्या है, प्रीपोजिशन। जो रेड कलर में वर्ड बने हुए हैं रेड पिंक रेड पेन से, ये हमारे सारी क्या है, प्रीपोजिशन। एट, इन, इनटू, ऑन, नियर, अंडर, विद, फ्रॉम, टू, ऑफ, ये हमारे सारी क्या होती है, प्रीपोजिशंस होती है।
डेफिनेशन देखो, ए वर्ड यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन, जो वर्ड यूज होता है नाउन और प्रोनाउन से पहले, टू शो दिखाता है इट्स रिलेशंस विद, इनके संबंध के साथ अनदर नाउन, जो दूसरे नाउन होते हैं और प्रोनाउन, प्रोनाउन इज कॉल्ड द प्रीपोजिशन, उसको क्या कहते हैं हम, प्रीपोजिशंस। ए पार्ट ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रॉपर प्रीपोजिशंस, बेटा ये फिल इन द ब्लैंक्स है, इनमें आपको प्रीपोजिशंस भरनी है। ऐसे ही बी पार्ट है, इनमें आपको प्रीपोजिशंस भरनी है और नाउन और प्रोनाउन बिफोर विच दे आर यूज्ड, जो नाउन और प्रोनाउन के पहले जो यूज होते हैं उनको आपने ये फिल करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपका ये होमवर्क है, राइट डाउन सम एक्सरसाइज फॉर योर फेयर नोटबुक, राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम यू टू ऑनलाइन क्लास MLP स्कूल राजपुरा। माई सेल्फ पूनम यूअर कंप्यूटर टीचर। टूडे वी आर डूइंग फिलअप्स। नाउ वी स्टार्ट फिलअप्स। फर्स्ट है डैश इज़ यूज फॉर टाइपिंग। टाइपिंग के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कीबोर्ड। कीबोर्ड इज़ यूज फॉर टाइपिंग। सेकेंड है देयर आर डैश अल्फ़ाबेटिक की ऑन ए कीबोर्ड। कीबोर्ड पे एक अल्फ़ाबेटिक की कितनी होती है, अल्फ़ाबेटिक की कौन सी होती है, A to Z, और कितनी होती है टोटल, 26। नेक्स्ट थर्ड है देयर आर डैश टाइप ऑफ अलाइनमेंट। अलाइनमेंट कौन सी होती है, लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई, ये कितने टाइप की होती है, 4 टाइप्स। नेक्स्ट है डैश इज़ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, CPU। नेक्स्ट है फिफ्थ, द रोल ऑफ CPU इज टू डू कैलकुलेशन। CPU का जो रोल होता है वो क्या होता है, टू डू कैलकुलेशन, कैलकुलेशन करना। नेक्स्ट सिक्स्थ है माउस इज एन इनपुट डिवाइस। माउस क्या होता है, हमारा इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट सेवन है डैश इज एन आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस कौन सा होता है, प्रिंटर। और मॉनिटर भी क्या होता है, हमारा आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट वन है देयर आर 12 फंक्शन की ऑन ए कीबोर्ड। कीबोर्ड पे 12 कौन सी की होती है, फंक्शन कीज ऑन ए कीबोर्ड। नेक्स्ट 9 है देयर आर 4 टाइप ऑफ एरो कीज। एरो कीज कितने टाइप की होती है, 4 टाइप की, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन। नेक्स्ट है CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU की जो फुल फॉर्म होगी वो क्या होगी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट 11 है डैश इज लुक लाइक ए टेलीविज़न। जो क्या होता है, जो हमारा टीवी जैसा, टेलीविज़न जैसा दिखाई देता है, मॉनिटर। मॉनिटर लुक्स लाइक ए टेलीविज़न। सो एवरी स्टूडेंट डू दिस वर्क इन फेयर नोटबुक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Good morning all of you, I am Mamta Yadav, your science teacher. In previous video we will study about chapter 5. Now we will continue our chapter 5, nest and baby birds. Okay, materials for nest building. पहले हमने पढ़ा था चिड़िया जो birds होती हैं अपना वो nest क्यों बनाती हैं और उनके eggs कैसे सुरक्षित रहते हैं। अब उसके nest बनाने में क्या क्या materials used होते हैं, कितने variety के nest होते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। नेस्ट ऑफ बर्ड्स आर वेरीड। जो नेस्ट के बर्ड होते हैं वो कई तरह के होते हैं। बर्ड्स आर यूज डिफरेंट मटेरियल सच एज ड्राई ग्रास, लीव्स, ट्विग्स, कॉटन एंड स्कार्फ्स ऑफ क्लोथ्स एंड वूल टू बिल्ड नेस्ट। बर्ड क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स यूज करती हैं अपने नेस्ट बनाने के लिए, जैसे सूखी घास हो गई, पत्ते हो गए, टहनियाँ हो गई, कॉटन और या कपड़ों के छोटे टुकड़े हो गए, ऊन के धागे हो गए, ये सब वो अपने नेस्ट बनाने के लिए यूज करती हैं। Many birds glue their nest together with materials such as spider web, silk and mud. बहुत सी चिड़िया क्या करती हैं, वो अपना नेस्ट किससे चिपकाती हैं, जैसे मकड़ी के जाले होते हैं या सिल्क या मिट्टी होती है, इन सब के जो रेशे धागे होते हैं, मतलब इनको जो मिलता है मिट्टी से, इन सब से वो चिपका कर अपना नेस्ट तैयार करती हैं। Birds also like to provide a soft lining inside their nest to make it more comfortable. कुछ बर्ड होते हैं जो अपने अंदर की तरफ से और ज़्यादा उसको आरामदायक महसूस करने के लिए सॉफ्ट लाइनिंग प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि क्वेल्स एंड डक्स यूज देयर ऑन फैदर्स टू लाइन देयर नेस्ट। जो क्वेल्स होती है और डक्स होती है वो खुद के फैदर्स अपने नेस्ट के अंदर लगाती हैं ताकि उनको मोर कम्फर्टेबल और आरामदायक फील हो नेस्ट के अंदर। बट अदर कलेक्ट फेदर्स ड्रॉप बाय लार्जर बर्ड।
पर कुछ होती हैं जिनके खुद के फैदर्स नहीं होते, तो जो लार्जर बर्ड अपने फैदर्स छोड़ देती हैं तो वो उनका यूज करते हैं। ओके, उसके बाद है ब्यूटीफुल नेस्ट। बर्ड्स नेस्ट कैन बी सिंपल और फैंसी। बर्ड्स के नेस्ट दोनों तरीके के हो सकते हैं, सिंपल भी हो सकते हैं, फैंसी भी हो सकते हैं। हेयर आर सम एग्जाम्पल, नीचे कुछ एग्जाम्पल हैं। तो फर्स्ट किसका है? फर्स्ट है ईगल नेस्ट। द ईगल नेस्ट इज ए ह्यूज पाइल ऑफ ट्विग्स एंड स्टिक्स लाइन विद लीव्स इन द मिडल। जो ईगल का नेस्ट होता है वो काफ़ी बड़ी टहनियों से और टहनियों के ऊपर स्टिक से और डंडियों से इन सब से मिल के बना होता है, जाकि वो बीच में लगी रहती हैं। जैसे आपको ये दिख रहा है यहाँ पे, ये इसका है ना। और ये कहाँ पर बनाता है अपना? ये किसी हाई प्लेटफॉर्म, बहुत ऊंची जगह बनाता है, जैसे ऊंचा पेड़ हो गया या किसी क्लिफ पे ऊंची जो चट्टान पर्वत हो गए उस पे। दीज हेल्प आर पेरेंट्स सी डेंजर फ्रॉम फार अवे। ये ऊंची जगह इसलिए बनाते हैं ताकि दूर से डेंजर को देख सकें। फिर टेलर बर्ड्स नेस्ट। टेलर बर्ड नेस्ट कैसा होता है? टेलर जो बर्ड्स होती हैं वो नाम से ही पता चल रहा है, टेलर, तो ये सिलती हैं अपने नेस्ट को। अब वो किस तरीके से? द टेलर बर्ड यूज वन और टू लार्ज ग्रीन लीव्स टू बिल्ड इट्स नेस्ट इन अ लो बुश और स्मॉल ट्री। जो टेलर बर्ड्स होती हैं वो ग्रीन लीव्स से अपना नेस्ट बनाती हैं किसी छोटी झाड़ी या छोटे पेड़ पर। इट पर्सेस होल्स ऑन ईच लीफ एज यूजिंग इट्स पॉइंटेड बिल एज अ नीडल। जो उसका किनारे का पॉइंटेड बिल होता है उसको सुई की तरह यूज करती हैं, सिलने की तरह। और जैसे देख रहे हो ना आप, इसमें छेद छेद से करके इन्होंने बनाया हुआ है। हाँ, यस। फिर देन इट सीव द एजेस टूगेदर विद द स्पाइडर वेब्स, प्लांट फाइबर्स और फाइन ग्रासेस। किससे सिलती हैं वो? स्पाइडर के वेब से, प्लांट के जो फाइबर्स होते हैं उनसे, और जो पतली पतली घासेस होती हैं उनसे। एन एंट्रेंस होल इज लेफ्ट एट द टॉप। और ऊपर की तरफ जैसे ये देख रहे हो आप डायग्राम में, वो होल छोड़ देती हैं जाकि इनके एंट्रेंस का घुसने का रास्ता इसमें होता है ना, वो रह सकें। उसके बाद आता है व्यूवर बर्ड्स नेट। व्यूवर बर्ड्स नेट जो सबसे फैंसी नेस्ट होता है, देखो ये कितना सुंदर बनाया ना, हमें मैक्सिमम ये दिख भी जाता है। अ व्यूवर बर्ड हैज अ स्ट्रॉन्ग कॉनिकल बीक विच इट यूज टू कट ब्लेड्स ऑफ ग्रास फॉर नेस्ट बिल्डिंग। व्यूअर बर्ड की बहुत स्ट्रॉन्ग और कॉनिकल नुकीली बीक होती है, जिससे वो क्या करती हैं, ब्लेड्स ऑफ ग्रास फॉर नेस्ट कट करती हैं, जो घास के जो लंबी लंबी ब्लेड्स टाइप जो घासों की परतें होती हैं उनको काट कर वो उससे नेस्ट के अपनी बिल्डिंग बनाती हैं। इट कैन टाई नोट्स इन द नेस्ट मटेरियल विद इट्स बीक एंड इट्स फीट। अपने पैरों और बीक के जरिए वो उसमें नेस्ट मटेरियल में इन सारी चीज़ों को बांधती हैं, गांठ मारती हैं, है ना। दिस मेक्स द नेस्ट इवन मोर सिक्योर। इससे क्या होता है, वो इन घासों से, ये आप देख रहे हो ना कितना बारीक है, कितना अच्छा इन्होंने इसमें गांठ करके गूथा हुआ है इतनी आसान उससे, तो कितना ये अच्छा और सिक्योर लग रहा है। वरना आप जैसे ईगल का देख रहे थे, यहाँ से ओपन है, इसने कितना अच्छा बनाया हुआ है। द नेस्ट ऑल्सो हैज़ अ नैरो ट्यूब लाइक एंट्रेंस। और नीचे से देखो ट्यूब लाइक एंट्रेंस है यहाँ से, है ना, कि बड़ा पक्षी या प्रीडेटर इसमें से घुस भी नहीं सकता, ये अपने हिसाब से बनाते हैं। और एंट्रेंस दैट ओपन अपसाइड डाउन, साइड डाउन, ऊपर से ये और नीचे से ये एंट्रेंस के लिए जगह छोड़ देते हैं। इट इज हार्ड फॉर अ प्रीडेटर टू गेट इनसाइड द नेस्ट थ्रू हिज एंट्रेंस, दिस एंट्रेंस। किसी प्रीडेटर के लिए जैसे मैंने बताया कि टफ होता है, वो इसमें आसानी से इनको पकड़ पाए। और ऊपर से भी ये अपना ओपन कर देती हैं ताकि कभी इन्हें जरूरत पड़े तो ऊपर से जा सकें। इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड व्यूअर बर्ड बिल्ड गेंट हेज टेक्स एज नेस्ट। अबाउट 400 व्यूअर्स कैन लिव इन द नेस्ट कॉलोनी। जैसे देख रहे हो कहीं पर ये हेज टेक से, घास के ढेरों से, ये बहुत बड़ा नेस्ट बनाते हैं जिसमें 400 बर्ड्स एक साथ रह सकती हैं। इसके बाद है वुड पेकर नेस्ट। जो कटफड़वे का घर रहता है वो कैसा होता है? और वुड पेकर बोर्स होल इनटू हार्ड ट्री ट्रंक्स टू मेक नेस्ट। आपको पता है उसकी जो बीक होती है बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, और वो बहुत हार्ड ट्री को भी बहुत ईजिली इसमें होल कर लेता है।
है ना, इसके अंदर के इंसेक्ट भी खाता है और उसके रहने का भी काम होता है। देयर स्टाउट चाइजल लाइक बिल अलाउ देम टू बोर इन टू वुड विदाउट गेटिंग हर्ट। जो उसकी बीक चाइजल छेनी की तरह जो पेनी उसकी बीक होती है वो उसको अलाउ करती है ताकि वो वुड में छेद करके रह सके और बिना किसी दर्द के। उसके ऐसा नहीं है कि वो अगर इसमें बनाता है तो उसकी बीक टूटती है या दर्द होता है, ऐसा कुछ भी नहीं। वो इतनी स्ट्रांग होती है तो फिर वो इसमें इजिली आराम से रहता है। ओके, अब नेक्स्ट जो इससे है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जब तक आप यहाँ का रिविजन करना। ओके।